अगर हम 2846 लेते हैं और इसे मल्टीप्लाई करना है 5 से, रेगुलर मैथमेटिक्स मेथड से आप इसे अगर करते हो तो आपको कम से कम इसे करने में 15 सेकंड लगेगा, जबकि अगर आप वैदिक मैथ्स के थ्रू आप इसे करें तो आप इसे लिख सकते हैं 3024 and 1, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि हमने मेंटल मैथमेटिक्स ट्रिक का यूज़ किया और आप इसे इसी तरीके से एक लाइन में आंसर लिख सकते हो। लेट सपोज कोई और एग्जाम्पल लेते हैं 29864। अब इसे हमें फिर से 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या ये बहुत टाइम लेने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 023941, दैट्स इट, और ये का आंसर सही है और बहुत फास्ट और रिलायबल भी है। तो इस वीडियो में सीखते हैं कि कैसे किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हम 5 से करें तो इतना फास्ट रिजल्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वैदिक मैथ्स में पढ़ने वाले हैं किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, वो भी जब हम उसे 5 से करने वाले हैं। कोई भी ऐसा नंबर हो जिसे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो आज के बाद आपको वो काफ़ी आसान होने वाला है। वो कैसे करेंगे, हम इस प्रोसेस को आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले लेते हैं, जैसा कि कोई एग्जाम्पल आप ले लो, कोई भी नंबर है 258 है लेट, और इसे आपको 5 से कहा गया, तो आप जनरली क्या करते हो, 258 और मल्टीप्लाई विथ 5 करते हो और सबको लिखते हो, फिर आप यहाँ पे आंसर लिखोगे, राइट। कुछ लोग डायरेक्ट यहाँ से ही मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, बट स्टिल वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि मैं जो बात करने वाला हूँ वो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली नहीं है, वो एक्चुअली डिवीजन होगा। जी हाँ, बहुत आसान होगा, आपको एक्चुअली करना है मल्टीप्लीकेशन नहीं, आपको करना है डिवीजन, और वो कैसे, तो हम इसकी प्रोसेस को आगे देखने वाले हैं। मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया है, आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट है बना हुआ। 2 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन हो या 3 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन हो या 4 डिजिट हो या 5 डिजिट हो, आपको कहीं भी ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स का यूज़ नहीं करना है और आप बहुत ही फास्ट तरीके से उसे कर सकते हो। सब वीडियो का URL आपको आई बटन पे मिल जाएगा अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, तो अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक जरूर मिल जाएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि वैदिक मैथ्स का पेड कोर्स भी अवेलेबल है, जिसे आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बिगनर्स लेवल का क्लास है ये, वैदिक मैथ्स एडवांस क्लास है, बिगनर टू एडवांस कंप्लीट क्लास है। जो लोग 10th और उससे ऊपर की क्लास में, उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो टीचिंग वैदिक मैथ्स लर्न करके लोगों को टीच करना चाहते हैं वो भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास 5th से अप टू 12th तक का रेगुलर लाइव क्लास है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे कोर्स आपको vedicmathschool.org/courses पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके इसके डिटेल को चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड, अगर आप कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप learn@vedicmathschool.org पे मेल भी हमें भेज सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर विथ 5। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया अभी, वो ये था कि किसी भी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो उतनी आसानी से आपको आंसर नहीं आने वाले हैं। लेट सपोज यही नंबर है, 4 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 5 से करना, और आप तुरंत इसे अगर लिखना चाहते हो तो आप नहीं लिख सकते हो। तो कैसे, इसको हम समझते हैं एक बेसिक एग्जाम्पल से। अगर मैं आपको कहूँ 20 × 5 करने के लिए, तो आप बहुत ही आसानी से बता दोगे मुझे, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि हम 2 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, और ये 0 को हम यहाँ प्लेस कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो आंसर आ जाएगा। वैसे भी आपने 20 का टेबल पढ़ा है तो आपके लिए आसानी है। वैसे अगर हम 15 × 5 भी कहें तो भी आप कह दोगे कि ये 75 होगा, क्योंकि आपको टेबल पता है। बट जैसे ही हम 75 ले लेते हैं इस बार, और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने कहा आपको 5 से, तो क्या आप इसे कर पाओगे? थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बहुत सारे लोग इसे भी कर लेंगे। तो यहीं पे मैं समझता हूँ कि डिफ़िकल्टी क्यों है। डिफ़िकल्टी इसलिए है क्योंकि आप हर किसी का टेबल याद नहीं कर सकते। इवन ये तो 175 है, मे बी हम 89 कह दें, और मे बी हम इसकी जगह 126 ले लें, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, और इसे हमने कहा आपको 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, आपने यहाँ देखा है कि किसी भी नंबर, अब इसी सारे नंबर को हम 75 को ही अगर आपको हम कहें 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आपको ये क्या है, ये तो बहुत आसान है, 750 हम लिख देंगे। 89 को कहेंगे 10 से करने के लिए, सेम नंबर ये, तो आप बड़े वैल्यू से कर रहे हो फिर भी आपके लिए आसान है। क्यों? क्योंकि जो यूनिट प्लेस पे इसके 0 है, तो जब 0 है तो आपके लिए आसान हो गया, 890 आप लिख दिया आसानी से। इवन आप बड़े वैल्यू के लिए 5 की जगह 10 लिया, फिर भी आप आसानी से कर रहे हो। 126 को आपको अगर मैं कहूँ 5 से करने के लिए तो आपको मुश्किल होगी, बट अगर इस 125
कि वो अगर हम 126 को अगर हम 5 की जगह 10 से कहें करने के लिए, तो आप कहोगे बहुत आसान है सर 1260 आंसर हो गया आपका। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे जीरो है तो आपको आसान है। तो यहीं से इसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जहाँ कहीं भी किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो, तो रादर दैन डूइंग मल्टीप्लाइंग विथ 10, मतलब कहीं भी आपको मल्टीप्लाई करना हो 5 से, उसकी जगह पे आप उसे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ठीक है, और फिर उसे डिवाइड कर दो 2 से। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो और फिर डिवाइड कर देते हो 2 से, तो एक्चुअली में आपने क्या किया, अल्टीमेटली 5 से मल्टीप्लाई किया, है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे 75 है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 75 जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, तो इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। अगर हम 75 को 5 से मल्टीप्लाई करें, या फिर इसकी जगह पे हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 75 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें, इसे 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या ये आसान नहीं होगा? 5 ही तो हो गया कट के, तो वैल्यू तो हमारी सेम ही आएगी यहाँ भी, और हमें करना क्या है, कुछ नहीं। 75 इंटू 10 करेंगे तो हमें सबसे आसानी से पता है ये 750 होगा। अब हम इसे 2 से डिवाइड कर दें, तो 750 में 2 से डिवाइड करना बहुत आसान है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट ही आंसर लिख सकते हैं 375, राइट। तो ये प्रोसेस है, इसे हम और भी बहुत सारे एग्जांपल के साथ समझते हैं और देखते हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा। एक दो एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपकी थॉट की क्लैरिटी हो जाएगी। जैसा मैंने एक एग्जांपल लिया था आपको 89 इंटू 5। अब 89 इंटू 5 को करने के लिए क्या करना है? अब वैसे तो आप करोगे तो 9 9 5 जब 45 होगा, कैरी आप फोड़ लोगे जिसे आप अगले नंबर्स में ऐड करोगे, तो 8 5 जब 40 या 4 तो 44 आपका आएगा, राइट। यही तरीका है, लेकिन इससे भी आप आसानी से कर सकते हो। कैसे? 89 को आप पहले मान लो, कुछ ऐसा मेंटली लिखना है यहाँ कुछ नहीं है, आपको सिर्फ मानना है कि ये 5 नहीं है, ये एक्चुअली 10/2 है। एक्चुअली क्या है? 10/2 है। तो जब आप ऐसा मानते हो तो एक्चुअली आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि 890 है एक्चुअली, और इसे मैंने 2 से डिवाइड करना है। और अब 890 को 2 से डिवाइड करना कितना आसान है, सबको पता है कितना हो जाएगा, 445, ये हमारा आंसर हो गया। और इतनी भी ये भी स्टेप लिखने की जरूरत कहाँ है, इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेट सपोज हम कोई नंबर ही ले लेते हैं, एक हमने पहले नंबर लिया था 126 ले लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो अगली बार मुझे ये भी नहीं लिखना है कि हाँ 10/2 इसे समझना है, कुछ नहीं, मुझे मालूम है ये कितना होगा, 1260 है, ये हमें मालूम है, क्योंकि ये 10 और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे आएगा, क्योंकि हमने 5 की जगह 10 लिया, तो 10 की जगह ये 1260 हो गए, मल्टीप्लाई से 2 से डिवाइड कर दो इसे, तो बहुत आसान है, क्या हो जाएगा, 630 आंसर। हमने कहीं मल्टीप्लीकेशन किया, एक्चुअली हमने मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज किया। तो इसे हम एक नए एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज कि हमारा एक नंबर है 258 और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो हम रादर देन मल्टीप्लाई 5 हम ये सोचते हैं कि यहाँ ये मल्टीप्लाई विथ हम 10 कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये होगा 258 डिवाइडेड बाई 2, और आप इसे डिवाइड करते हो तो आपको मालूम है ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 18 है तो 9 होगा, और ये 0 होगा, 1290 आपका आंसर हो गया। इवन आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं, आप इसे भी मेंटली ही कर सकते हो, डिवाइड 2 से किसी भी नंबर को करना बहुत आसान है। जैसे 29864 इतना बड़ा नंबर ले लिया जिसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्चुअली हम क्या सोच रहे हैं, ये 10 है, एक्चुअली यहाँ पे 0 है मैंने मान लिया, क्योंकि ये 10/2 नंबर है एक्चुअली में, तो ये हमारा 0 हो गया। अब हम इसे बस इस सारे नंबर्स को इंक्लूडिंग 0 हम इसे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से 2 में तो 1 टाइम लगेगा, ये 4 टाइम लगेगा, 19 तो 18 9 गया, ये 16 है तो हम 8 टाइम देंगे, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब 2 है ये भी गया, 0 था तो 0 आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 149820, राइट, और ये हमारा आंसर हो गया। एक्चुअली ये 3 होगा, 3 टाइम ही लगेगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 149320। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत इजी भी है, और इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे कमेंट में से सॉल्व करके बताओगे कि कैसे आपने इसका किया है, क्या आपको आंसर आया है। 7846 इसे मल्टीप्लाई करना है 5 से, और इसे मुझे आप आंसर कमेंट के जरिए बताओगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं इस तरह के और भी स्पेसिफिक नंबर का मल्टीप्लिकेशन बताने वाला हूँ, अगर जैसे किसी भी नंबर्स को 25 से कैसे करना है, 75 से कैसे करना है, 125 से कैसे करना है, तो उस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम वीडियो अपडेट्स मिलता रहेगा। इस तरह के और भी टॉपिक्स हैं मल्टीप्लिकेशन के अलावा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टॉपिक्स हैं
जिसे हमने कवर किया है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। बाद में हम मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री भी कवर करने वाले हैं वैदिक मैथमेटिक्स मेथड से सॉल्व करके, तो आप उसे भी देख सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बाय बाय।